प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री सेक्शन में से एक लेसन लेंगे जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइक एक्शन ऑफ वाटर, एयर, एसिड, सॉल्ट्स एक्सेट्रा, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, कॉज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ वार्निंग कंपाउंड्स, अक्रेंस ऑफ मेटल्स एंड देयर एक्सट्रैक्शन, और कोरिजन ऑफ मेटल्स क्या होती है एंड इट्स प्रिवेंशंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स सॉलिड होते हैं, मर्करी को छोड़ के मेटल्स आर हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट लिथियम, पोटेशियम और सोडियम को छोड़ के मेटल्स हैव मेटालिक लस्टर होती है, इनकी शाइन होती है। मेटल्स आर मेलेबल होते हैं, मेलेबल मीन कैन डन इन टू शीट्स, इसको शीट में डाला जा सकता है। मेटल्स आर डक्टाइल, इनकी वायर्स बनाई जा सकती हैं। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, गैलियम एंड सीजियम इनका लो मेल्टिंग पॉइंट्स है, दे मेल्ट इन पाम ऑफ द हैंड में, ये निकल जाते हैं ये दोनों, इनको छोड़ के बाकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। उसके बाद मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। मेटल्स आर स्नोरस होते हैं, प्रोड्यूस साउंड पैदा करते हैं जब इनको हम थोड़ा सा हीट करते हैं। अब हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल के क्या होते हैं। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड और गैशियस की फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे सॉलिड्स कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एक्सेट्रा, लिक्विड ब्रोमीन, गैशियस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड को छोड़ के, जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है नेचर में। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव, इनकी लस्टर नहीं होती है, आर नॉट मेलेबल भी नहीं होते, डक्टाइल भी नहीं होते हैं। मेटल नॉन मेटल्स आर सॉलिड एंड लिक्विड्स होते हैं जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। नॉन मेटल्स आर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स लो बॉइलिंग पॉइंट पे, इनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के, बैड कंडक्टर मतलब इनसे बिजली पास नहीं हो सकती है। नॉन मेटल्स आर नॉट, ये सोनोरस नहीं होते, बल्कि जिनको इनको हीट किया जाए इनसे आवाज पैदा नहीं होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की क्या होते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड्स बनाता है, जैसे कॉपर ऑक्सीजन में तो ये ऑक्साइड बन गया उसका। वेन अल्मोनियम अल्मोनियम विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अल्मोनियम बनाता है ऑक्साइड, जैसे ये देखिए। सम मेटल्स ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर के साथ, रिएक्ट फॉर्म करके बेसिस बनाते हैं। उसके बाद सम मेटल्स ऑक्साइड्स शो एसिटिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं, जैसे अल्मोनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एक्सेट्रा। ये हो गया रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम रिएक्ट विगसली, आपस में रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ एंड रिएक्ट, और इनको कैच फायर, आग पकड़ लेते हैं इन ओपन में। हेंस दे आर स्टोर्ड इन, इनको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि इनको आग ना लगे। मैग्नीशियम इज हीटेड, इफ बर्न इट बर्न्स विद ए ब्रेम ब्राइट फ्लेम के साथ जलता है। आयरन अगर हीट किया जाए तो ग्लो चमकीला होता है। इफ कॉपर इज हीट, कॉपर को हीट किया गया, इट डज नॉट बर्न, ये डलता नहीं है, बट फॉर्म से ब्लैक कोटिंग बना जाता है कॉपर ऑक्साइड की। सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट, आपस में रिएक्ट नहीं करते विद ऑक्सीजन के साथ इवन एट हाई टेम्परेचर। सम मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, अमोनियम, जिंक एक्सेट्रा, ये फॉर्म एंड ऑक्साइड्स लेयर बना जाते हैं अपने ऊपर, विच प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्सीडेशन, उनको नहीं हो सके, दे आर कॉल्ड सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स। ये हो गया रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब हो गया रिएक्टिविटी विद वाटर के साथ क्या होता है। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं एंड हाइड्रोजन। तो ये देखिए, सोडियम प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो NaOH बनाए, सोडियम ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन जो है रिलीज करेंगे। इसी तरह क्या सब रिएक्शंस दी हैं। इसके बाद द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद वाटर के साथ क्या होता है। सोडियम पोटेशियम जो है वायलेंट हो, जो विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म सोडियम बनाते हैं ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड कैचिस फायर, आग पकड़ लेते हैं। कैल्शियम रिएक्ट्स लेस वायलेंटली वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर डज नॉट रिएक्ट, फायर नहीं पकड़ता। मैग्नीशियम रिएक्ट्स ओनली हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। इस तरह मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक रिएक्ट विद ये स्टीम गैस को रिएक्ट कर जाते हैं टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बनाते हैं। उसके बाद आ गया मेटल्स रिएक्शन विद एसिड के साथ। मेटल्स जो
रिएक्ट विद डिल्यूट्स एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, फॉर्म साल्ट्स एंड हाइड्रोजन आते हैं। तो ये जैसे Mg प्लस HCl है, MgCl बन गया प्लस हाइड्रोजन रिलीज हुई। तो रिएक्टिविटी वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, से मेटल में भी रिएक्टिविटी जो होती है वेरी करती है। फार अबव मेटल्स द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, पहले मैग्नीशियम रिएक्ट करता है और उससे कम अल्मोनियम, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट, ये रिएक्ट नहीं करते एसिड के साथ। हाइड्रोजन इज नॉट वाल्ड, हाइड्रोजन नहीं निकलती व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज कर जाता है वाटर एंड प्रोड्यूस वाटर करता है, इट सेल्फ प्रोड्यूस टू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड में ये प्रोड्यूस करता है, सेल्फ प्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद मेटल की क्या रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटल साल्ट सोल्यूशन के साथ, बताए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसिज ए लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है साल्ट सोल्यूशन में। मैग्नीशियम डिस्प्लेसिज कॉपर को, मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस करेगा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, जैसे Mg कॉपर सल्फेट है मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा, कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। ये हो गया रिएक्शन ऑफ विद मेटल विद साल्ट सोल्यूशंस। और एक्टिविटी सीरीज में देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, जैसे पोटेशियम सबसे ज्यादा, फिर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमोनियम ये नीचे के हो जाते हैं, गोल्ड सबसे कम रहता है, ये मोस्ट एक्टिव, ये रिएक्टिविटी कम होती जाती है, ये लीस्ट रिएक्टिव, ये रिएक्टिविटी सीरीज होगी मेटल की। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, होता है मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन, लूज करता है, बिकम पॉजिटिव आयन बन जाता है, सो दे कॉल इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को बोलते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम जैसे 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281 हो गया, इट हैज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करती है एंड फॉर्म्स ए पॉजिटिव आयन बनाता है। इसी तरह नॉन मेटल्स में क्या होता है, गैन इलेक्ट्रॉन करते हैं, वो गैन करते हैं बिकम नेगेटिव आयन बन जाते हैं, सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन की जैसे द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 287 हो गया, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने देना है, जब ये इसके इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 17 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 287, तो इसको इलेक्ट्रॉन एक चाहिए अपनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लेने के लिए। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल कैसे बनता है, NaCl2, तो जैसे इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर जैसे सोडियम का 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281 हो गया, इट हैज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इट लूजेस वन इलेक्ट्रॉन वन करता है, Na पॉजिटिव बन जाता है। द एटॉमिक नंबर क्लोरीन 17 है, वो उस इलेक्ट्रॉन को लेके गैन करता है इलेक्ट्रॉन और Cl नेगेटिव आयन बन जाता है, देन अट्रैक्शन बिटवीन Na पॉजिटिव एंड Cl अट्रैक्शन हो जाती है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बनता है, जैसे डायग्राम में आपको देखा ऊपर। और फॉर्मेशन मैग्नीशियम क्लोराइड भी सीधा बिल्कुल बनता है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स होता है, क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स होते हैं फाउंड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो बनते हैं मेटल से और टू नॉन मेटल से नॉन मेटल में जाते हुए। प्रॉपर्टीज क्या होता है आयनिक कंपाउंड की, दे आर फाउंड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं, मेड अप पॉइंट से बने होते हैं, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, दे आर सॉल्युबल वाटर में एंड इनसॉल्युबल इन कार्बन में, इनसॉल्युबल होते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट में, इलेक्ट्रिसिटी करते हैं या सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ऑकर मेटल कहाँ होता है, सम मेटल्स गुड लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आर फाउंड इन फ्री स्टेट में होते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, बिकॉज दे आर लीस्ट वे बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। मोस्ट मेटल्स आर फाउंड इन ऑक्साइड्स की शक्ल में, कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स एंड लाइट की शक्ल में मिलते हैं। मिनरल्स आर एलिमेंट्स कंपाउंड्स होते हैं जो अक्कर नेचुरली इनसाइड अर्थ क्रस्ट में होते हैं। और क्या होती है, और इज मिनरल फ्रॉम विच मेटल, जो जिसमें से मेटल को निकाला जाता है, गैंग हो गया, इम्पोर्टीज होगी जो लाइक रॉक पार्टिकल्स, सैंड सैंड एक्सेट्रा, क्ले पार्टिकल्स होते हैं जिसके साथ इम्पोर्टी लगी होती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर से कैसे निकाला जाता है, बता मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर से निकाले जाते हैं थ्री मेन स्टेप्स में, दे आर कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, रिडक्शन इन द मेटल एंड रिफाइनिंग। कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है, इज द रिमूवल ऑफ गैंग को निकाला जाता है इंप्यूरिटीज को फ्रॉम ओर से बाय डिफरेंट मेथड्स द्वारा। अब स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर से, कैसे मेटल को निकाला जाता है उनकी ओर से, ये स्टेप्स उन्होंने बताए। और मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, पूरा उन्होंने बताया हुआ कैसे निकालना है उसको। उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो इन इन द रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कम है, मेटल्स विच आर लो इन एक्टिविटी सीरीज कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स में बदले जाते हैं बाय, उनको हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, इसको रोस्टिंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मर्करी को फ्रॉम इट्स सोर्स से चिनाबर बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के, उसमें हीट किया जाता है, व्हेन इट इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाता है, एंड ऑन फर्दर हीटिंग इट इज रिड्यूस्ड टू मर्क्यूरी में बदल जाता है।
जैसे कॉपर इज अ प्लैनेट फॉर्म सल्फाइड ओर से लिया जाता है बाय हीटिंग, उसको हीट किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब आगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स मिडल जो होते हैं एक्टिविटीज के, मेटल्स आर इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी में जो मिडल में होते हैं लाइक जिंक फेरस पीबी एक्सेट्रा, ये एज ऑक्साइड और सल्फाइड और कार्बोनेट्स होते हैं और में इट इज इजियर टू, इनको आसानी से मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड से लिए जाते हैं फ्रॉम देयर सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। उसके बाद रोस्टिंग होता है, इट इज हीटिंग ऑफ एन ओर को हीट किया जाता है ऑक्सीजन में, इट इज यूज कन्वर्ट सल्फाइड और उसको ऑक्साइड फॉर्म में किया जाता है। कैंसिलेशन में क्या होता है, हीटिंग और एब्सेंस ऑक्सीजन में हीट किया जाता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं होती एब्सेंस में होता है, टू कन्वर्ट सल्फाइड और ऑक्साइड में बदला जाता है इनको। अब हो गया थर्माइट रिएक्शन के होते हैं, सम रिएक्टिविटी मेटल्स लाइक सोडियम कैल्शियम एल्युमिनियम एक्सेट्रा आर यूज इन एज रिड्यूसिंग एजेंट और इस्तेमाल होते हैं टू ऑब्टेन मेटल को लेने के लिए फ्रॉम देयर ऑक्साइड से। बता द रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एल्युमिनियम इज एक्सोथर्मिक होती है, इसमें हीट निकलती है एंड मेटल्स आर ऑब्टेनड, मेटल जो मोल्टन पिघली स्टेट में मिलते हैं, सच रिएक्शन इनको हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शंस। द रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम प्रोड्यूसेस मोल्टन आयरन पैदा करते हैं, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू जॉइन रेल ट्रैक्स को जोड़ने में, ब्रोकन मशीन्स के पार्ट्स को जोड़ने में ये इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद एक्सट्रैक्शन मेटल जो है टॉप ऑफ द एक्टिविटीज में सीरी में जो मेटल ऑन द टॉप ऑफ द एक्टिविटीज लाइक पोटेशियम सोडियम कैल्शियम एक्सेट्रा कैन नॉट बी ऑब्टेन, ये और से नहीं निकाले जाते बस सिंपली हीटिंग द्वारा और हीटिंग विद रिड्यूसिंग एजेंट्स, दे आर ऑब्टेनड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन द्वारा इनको निकाला जाता है। मोल्टन ऑक्साइड्स क्लोराइड्स बनते हैं इनके, फॉर एग्जांपल व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है मोल्टन सोडियम क्लोराइड से, सोडियम मेटल इज डिपॉजिट जो होता है कैथोड में डिपॉजिट हो जाता है, क्लोरिन गैस इज डिपॉजिट एट द एनोड। भाई ये देखिए डायग्राम उन्होंने बताई है जैसे। उसके बाद होता है द इम्प्योरिटीज कैसे रिफाइन किया जाता है, बोलता है रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, इसको दोबारा पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, बोलता है रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम मेटल से जो गंदगी है उसको कैसे साफ किया जाता है, उसको इज कॉल्ड, उसको रिफाइनिंग ऑफ मेटल कहते हैं, मतलब मेटल को साफ किया जाता है गंदगी हटाई जाती है उसको बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जिसको कहा जाता है, ये यूज होता है। इन दिस मेथड ब्लॉक प्योर मेटल को जो नोड बनाता है थिन शीट में ऑफ प्योर मेटल इज मेड कैथोड बनाया जाता है उसको, द इलेक्ट्रिसिटी इज सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ द मेटल टू बी प्योरीफाइड की जाती है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, ब्लॉक ऑफ प्योर कॉपर मेड अप एनोड बनाया जाता है, तो थिन शीट को कॉपर प्योर के कैथोड बनाया जाता है, जब इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलाइट इज एसिटिफाइड किया जाता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ, इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास होती है इलेक्ट्रोलिटिक प्योर कॉपर जो है एनोड में चिपक जाता है और इम्प्योरिटीज कैथोड के साथ जाकर चिपक जाती हैं। उसके बाद कोरिजन, कोरिजन जो है ये डैमेज कास्ट ड्यू मेटल को कॉज होता है ड्यू टू रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मेटल का रिएक्शन होता है उसके कोरिजन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ब्रोन कोटिंग बन जाती है, रस्टिंग ऑफ आयरन जैसे फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग हो जाती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट के, बोलते शो देयर एयर मॉइस्चर मिसेस, देखो कार्बन ये बात से बताया उन्होंने, टेक थ्री ट्यूब्स ले, 1 2 3 हमने लिए, उसमें तीन हमने कील डाले, कार को हमने बंद कर दिया, लीव द फ्यू डेज के बाद उसको छोड़ देते हैं, द नेल टेस्ट ट्यूब वन डज नॉट गेट रस्टी नहीं होता बिकॉज इट हैंड ओनली एयर, इसमें सिर्फ एयर थी दूसरे में वाटर पानी नहीं था, दूसरे नेल टेस्ट ट्यूब में हमने डज नॉट रस्ट बिकॉज उसमें सिर्फ वाटर था, लेकिन तीसरे में हमने दोनों डाले नेल्स टेस्ट ट्यूब थ्री गेट रस्ट हो जाता क्योंकि उसमें हमने वाटर और एयर दोनों डाले, इसके से उसका कलर ब्राउन हो गया, इसके लिए इसको रस्टिंग कोरोजन बोलते हैं। तो प्रिवेंशन होता है कोरिजन ऑफ मेटल कैन भी इसको उठाया जा सकता है, जैसे अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस लगाते हैं हम मोस्टली अपने घरों में, देखिए जो ग्रिल वगैरह बनाते हैं उसको पेंट करते हैं पहले, इसी तरह अप्लाई पेंट किया जाता है, गल्वेनाइजिंग कोटिंग जिंक के साथ की जाती है, टिन बाई टिनिंग कोटिंग जिंक के साथ की जाता है, इलेक्ट्रो प्लेटिंग कोटिंग लेस रिएक्टिव मेटल को क्रोमियम को लगाया जाता है बाय अलॉयिंग, उसको मेक अलॉय भी बनाया जाता है। अलॉय क्या होता है, अलॉय होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद अदर मेटल के साथ होता है और नॉन मेटल के साथ होता है, जैसे स्टील आयरन कार्बन स्टेनलेस स्टील आयरन कार्बन कोटिंग, ये हो गया इसका। तो ये हो गया प्रिवेंशन ऑफ आयरन, इसके साथ हमारा ये लेसन खत्म होता है, तो उम्मीद करता हूँ आप उसको समझ आएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।